नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। जी हाँ, कमेंट करके उस महाद्वीप का नाम जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, देश के अंदर कोरोना वायरस का विकराल रूप, लगातार बढ़ रहे मामले, एक दिन में हुई सर्वाधिक मौतें। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 13 करोड़ कोरोना टीके लगाए जाने के बावजूद महामारी का संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोरोना के आंकड़े नया रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नया ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,95,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए हैं और 2,023 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 1,67,457 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शनिवार को बता दें कि 2,59,000 से ज्यादा नए केस सामने आए थे। वहीं पर महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा 62,97 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 39,60,000 से ज्यादा हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, आपत के बीच राहत, ऑक्सीजन से भरे टैंकर को लेकर आज रवाना होगी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, देश में मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार को भरे हुए ऑक्सीजन टैंकर लेकर रवाना होगी। इससे पहले मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में खाली टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस सोमवार को विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई थी। अन्य राज्यों में भी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन के खाली टैंकरों को ले जाने और भरे हुए टैंकरों को भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तैयारी हो रही है। उनके लिए राज्यों के साथ सहयोग एवं तकनीकी दिक्कतों को दूर करना शुरू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, सरकार ने रेमडेसिविर और कच्चे माल पर खत्म किया कस्टम ड्यूटी, सस्ते में मिलेगी दवा। जी हाँ दोस्तों, देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने रेमडेसिविर, इसके कच्चे माल और वायरस रोधी दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान पर सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है। इस कदम से रेमडेसिविर इंजेक्शन की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में होता है। वहीं पर राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जनहित में इन उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों पर लगाई जाएगी वैक्सीन, मुफ्त में होगा सारा काम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को निःशुल्क टीका लगवाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को वर्चुअली हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। बैठक में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को आगामी 1 मई से कोविड टीकाकरण की सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि बेहतर कोविड प्रबंधन के साथ साथ व्यापक टीकाकरण कार्य कोरोना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध करेगा और 1 मई से ये टीकाकरण शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, 13 करोड़ के पार हुआ देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा, संक्रमितों की कुल संख्या 20 लाख से ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारत में अब तक लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीन की 13 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। इनमें से करीब 29 लाख खुराकें मंगलवार को दी गई। मंगलवार रात 9 बजे तक देश में अब तक कोविड 19 रोधी टीकों की 13 करोड़ 27 हजार से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि मंगलवार को 71,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया गया। इससे पहले किसी भी दिन औसतन 45,000 केंद्रों का संचालन किया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, दुनिया भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच इजराइल ने लोगों से की अजीबोगरीब अपील, जानिए क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन बनने से पहले मास्क पहनने को एक कारगर हथियार बताया था। आज का दौर ऐसा है कि हर किसी को मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन इजराइल दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जहां मास्क को ना पहनने से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, इजराइल में प्रशासन ने लोगों को मास्क ना पहनने के आदेश जारी किए हैं। इजराइल में 81% जनता को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला सुनाया है। सरकार के इस आदेश के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क उतार फेंका और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर,
आरटीपीसीआर टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आने की बात भी हो सकता है कोरोना, डॉक्टर दे रहे हैं सीटी स्कैन की सलाह। जी हाँ दोस्तों, देश में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस रफ्तार की जिम्मेदार कोरोना की नई लहर है जो बहुत ही तेज गति से एक के बाद एक एक करके बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रही है। वहीं पर कोरोना की जांच होने के बाद संक्रमित होने का पता लगाना भी इस नई लहर में परेशानियों से भरा है, क्योंकि संक्रमण की जांच के लिए यूज किए जा रहे आरटीपीसीआर टेस्ट भी इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरटीपीसीआर टेस्ट में लगभग 80% केस में कोरोना को पता लगाते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना है कि टेस्ट होने के 24 घंटे बाद भी अगर सीटी स्कैन कराया जाए तो असली रिपोर्ट जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत में आ रही है इलोन मस्क की टेस्ला, वर्चुअल करेंसी में बिक सकती है कंपनी की कारें। जी हाँ दोस्तों, बीते जनवरी महीने में ही यह साफ हो गया था कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला भारत में आने वाली है। अब ऐसा माना जा रहा है कि टेस्ला मॉडल 3 कार को भारतीय बाजार में उतार सकती है। यह मॉडल टेस्ला की बेस्ट सेलिंग कार में गिनी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टेस्ला की कारें वर्चुअल करेंसी के जरिए भी खरीदी जा सकती है। दरअसल बीते दिनों टेस्ला के मालिक इलोन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ऐलान किया कि अब लोग टेस्ला की कारों को फिजिकल करेंसी के साथ भी बिटकॉइन से भी खरीद सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में लॉकडाउन की वजह से घर जा रहे मजदूरों की बस पलटी, मची चीख पुकार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर जोरासी घाटी के पास पलट गई। हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं तो 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें ग्वालियर JH में भर्ती कराया गया है। साथ ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। सवारियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर थे जो लॉकडाउन के डर के चलते दिल्ली से पलायन कर छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में अपने घरों को जा रहे थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। जलवायु संकट इस साल खतरनाक स्तर पर पहुंचेगा कार्बन उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हो रहे तेज सुधार के चलते इस साल दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन खतरनाक स्तर पर पहुंचने की आशंका है। इसकी बड़ी वजह एशिया और खासतौर पर चीन में कोयले का भारी इस्तेमाल माना जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी रिपोर्ट में 2021 में ऊर्जा खपत से 1.5 अरब टन कार्बन उत्सर्जन का अनुमान जताया है। एजेंसी के मुताबिक ऊर्जा उत्सर्जन में यह इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना के प्रकोप के बीच स्थगित हुई UGC नेट परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए UGC नेट की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, #COVID-19 आउटब्रेक के दौरान उम्मीदवारों और परीक्षा अधिकारियों की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैंने DGNTA को UGC नेट दिसंबर साइकिल की सभी परीक्षा को स्थगित करने की सलाह दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोना खरीदने का सुनहरा मौका, निवेश कर कमाए मुनाफा। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में लगातार उठा पटक जारी है। ऐसे में अगर आप गोल्ड में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो अच्छा मौका है। बता दें कि अब तक सोने की दाम लगभग 10 महीनों के निचले स्तर पर आ चुके हैं। दुनिया भर में भारत दूसरा ऐसा देश है जहाँ सोने की खपत सबसे ज्यादा होती है। भारत में लोगों के लिए सोना एक कीमती धातु नहीं बल्कि शुभ धातु भी है। इसके अलावा भी निवेश के लिए सोना सबसे बेहतर विकल्पों में से एक माना जा रहा है। भारत में सोने के महत्व का अंदाज सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि शादियों के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा सोने की ज्वेलरी और सिक्कों आदि के लिए खर्च किया जाता है। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अब तक सोने के दाम लगभग 11 महीनों के निचले स्तर पर आ चुके हैं। सोने ने पिछले साल अगस्त में 57,000 के उच्चतम स्तर को छुआ था। वहीं मंगलवार को सोने की कीमत 305 रुपए और गिरकर 46,756 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बुरे फंसे रोहित शर्मा, दिल्ली के खिलाफ मैच में क्या गलत काम, मिलेगी सजा। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग के मंगलवार को खेले गए मुकाबले में रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हार का मुंह देखना पड़ा। उसे युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की अगुवाई में दिल्ली कैपिटल्स ने मात दी और वो भी 6 विकेट से। मुंबई के बल्लेबाजों ने इस मैच में एक बार फिर उम्मीद से कमतर प्रदर्शन किया, लेकिन हर बार की तरह गेंदबाजों ने जीत के लिए जान झोंक दी। हालांकि इस बार वो कामयाब नहीं हो सके, मगर मुंबई इंडियंस के लिए इस मैच में दिल्ली के खिलाफ मिली हार एकमात्र झटका नहीं थी बल्कि एक झटका टीम के कप्तान रोहित शर्मा को भी लगा।
इस मैच में रोहित शर्मा की टीम ने ऐसी गलती की है जिसका खामियाजा कप्तान को भुगतना पड़ा है, और अगर ये गलती लगातार होती रही तो रोहित शर्मा को एक मैच के लिए निलंबित किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।